एक बार फिर से आपका स्वागत है पूनम रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता कचौड़ी, जिसमें सत्तू स्टफ किया रहेगा। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। हाँ दोस्तों, देख रहे हैं सत्तू ले लिए हैं। सत्तू में हम डाल रहे हैं लहसुन जो कि फाइन चॉप किया हुआ है, हरी मिर्च ये भी फाइन चॉप किया हुआ है, थोड़ा सा अदरक सब चॉप किया हुआ है, क्रश किया हुआ मंगरेला, क्रश किया हुआ जवाइन, तेल सरसों तेल, इसमें रिफाइंड ऑयल नहीं पड़ता है दोस्तों, सरसों ऑयल, अंदाज से नमक, गोल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस दोस्तों, सत्तू के लिए हो गया धनिया पत्ता। ये खस्ता कचौड़ी में थोड़ा थोड़ा लगा, इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको मैश करेंगे। देखिए कचौड़ी के लिए डो बनाने के लिए हम लोग मैदा ले लिए, इसमें आटा लेंगे, थोड़ा सा नमक, इसमें रिफाइंड ऑयल दोस्तों डाल देंगे 2-3 चम्मच, क्योंकि खस्ता कचौड़ी है ये, ठीक है। अब इसको हम पानी डाल के इसको पहले मिक्स कर ले दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा खासा कचौड़ी बनता है दोस्तों, हलवाई की दुकान जैसा बनेगा, ट्राई कीजिए बनाइए। देखिए दोस्तों कचौड़ी का डो तैयार हो गया है, इसको 5-10 मिनट हम लोग इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों हम ले लिए हैं छोटे छोटे लोई बना लिए हैं, अब लोई को ऐसे बीच से दबा के थोड़ा थोड़ा एकदम जरा जरा सा स्टफिंग सत्तू का डालेंगे ऐसे करके, इस तरह से देखिए इस तरह से ऐसा ऐसा। अब इसे हमें हल्का सा बेल देना है, बस इतना ही कर देना है। चलिए दोस्तों अब इसको हम बेल करके तैयार कर लिए हैं कचौड़ी, इसको हम डालते हैं। गैस का फ्लेम लो ही रहेगा क्योंकि पहले से गर्म है, इसको लो कर देते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद अभी लो ही रहेगा दोस्तों, फिर भी इसे मीडियम कर देंगे। देखिए अभी इसे फूलना शुरू हो गया दोस्तों, ये रेसिपी पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। इसको चाय के साथ, सॉस के साथ या चना की सब्जी के साथ खा सकते हैं दोस्तों।